हेलो गाइस, इज योर ब्रदर राकेश कुमार सैनी। वेलकम बैक टू सेम माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे प्राइवेट कॉलेज के बारे में जो पिछले 5 साल से लगातार अंडर 20 के अंदर NIRF रैंकिंग लेते आ रहा है। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं VIT वेलोर के बारे में। आप में से काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि भैया VIT वेलोर के ऊपर वीडियो बनाऊँ, क्या भैया VIT वेलोर का जो कैंपस है वो क्या है, कैसे इसकी एग्ज़ाम होती है, किस तरीके से इसके अंदर एडमिशन लिया जाता है। तो इसका जो आज फुल ट्यूटोरियल है वो लेके आ गया हूँ मैं आपके लिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं VIT वेलोर की A to Z। बात करेंगे प्लेसमेंट फीस स्ट्रक्चर कितनी कट ऑफ जाती है, सारी बातें। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आपको बता दूँ, हम लोग काफ़ी सारे कॉलेज रिव्यूज़ कवर करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने LPU यूनिवर्सिटी कवर कर चुके हैं। इन फ्यूचर में आपको काफ़ी सारे कॉलेज रिव्यूज़ देखने को मिलेंगे। आने वाले टाइम में आपको IITs एंड जितने भी प्राइवेट अच्छे कॉलेजेस हैं सभी के रिव्यू चैनल पर मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब एंड वीडियोज स्टार्ट करते हैं। VIT की एग्जामिनेशन की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 नवंबर से आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है, 30 मार्च 2024 तक, जो एक बहुत लंबा टाइम दिया गया है। उसके बाद इसकी जो एग्जामिनेशन होगी वो डिफरेंट टाइप में होती है, एक ही दिन में सारी एग्ज़ाम नहीं हो जाती है। डिफरेंट सिटीज़ के लिए अलग अलग डेट्स होती है। तो इनकी एग्जामिनेशन जो होगी वो 19 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आप लोगों की एग्ज़ाम होने वाली है। इसके बाद जो इसका रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा वो 3 मई में इसका रिजल्ट डिक्लेरेशन हो जाएगा। एग्ज़ाम के पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो एग्जामिनेशन पैटर्न अगर आप देखें, लोगों का मैथ्स ग्रुप होता है, एक हम लोगों का बायोलॉजी ग्रुप होता है। दोनों ही ग्रुप में लोगों की 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग हम लोगों की यहाँ पे नहीं होती है। 125 क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोगों को टाइम दिया जाता है 2.5 घंटे, यानी 150 मिनट आप लोगों को यहाँ पे दिए जाते हैं और 125 क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। अगर मैथ्स ग्रुप की बात करूँ तो मैथमेटिक्स में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स में 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड केमिस्ट्री के अंदर भी 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम इंग्लिश में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आते हैं। अगर बायोलॉजी ग्रुप में लेंगे तो VIT का जो सिलेबस होता है क्या वो JEE मेन सिलेबस के सेम होता है? नहीं, VIT का जो सिलेबस स्लाइटली डिफरेंट होता है। यहाँ जो मैं आप लोगों का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ इसके ऊपर आप लोगों को सारी सिलेबस के लिंक डायरेक्टली मिल जाएगी। आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी जाके आप VIT का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। VIT एंड जो JEE मेंस का सिलेबस एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट होता है। और एग्जांपल्स एस ब्लॉक एलिमेंट आप लोगों की JEE मेंस में नहीं है लेकिन आप लोगों की VIT में पूछे जाते हैं। सॉलिड डिस्ट्रिक्ट इमेंस के सिलेबस में नहीं है लेकिन VIT में पूछा जाता है। और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि JEE मेंस में नहीं पूछी जाती है लेकिन VIT में पूछी जाती है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि VIT के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। वही बायोलॉजी में भी 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बाकी फिजिक्स में 35, केमिस्ट्री में 35, इंग्लिश में और एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद कुछ बच्चों के दिमाग में यह आ रहा है कि क्या भैया और जो इस पेपर में नहीं पूछा जाता, इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे सिलेबस की मैंने लिंक दे दी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश सब की आप लोगों को आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और भी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए होगी वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने जिसमें बता दिया है आप लोगों को कि VIT की एग्जामिनेशन कब होने वाली है, क्या इसकी एग्जामिनेशन पैटर्न होने वाली है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। कि LPU यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन कब होने वाली है उसके ऊपर भी वीडियो बनाया था, उन सारी वीडियोज़ को आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब गाइस VIT का जल्दी से एक ओवर रिव्यू ले लेते हैं। इस कॉलेज में 15 से 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करना क्या सही है? क्या भैया इस कॉलेज की जो प्लेसमेंट है वो वाकई इतने अच्छे हैं या सारे फेक हैं? यहाँ पर जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए जो सीटें अवेलेबल हैं वो 2500 के समथिंग यहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था किसी निजी कारणों की वजह से, बट रेगुलर आपके लोगों के लिए वीडियोस लेके आऊँगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं। और किसी चीज़ के ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए वो आप लोग मुझे कॉमेंट कर बता सकते हैं। नीचे मेरे व्हाट्सअप की लिंक है तो आप उसको भी ज्वाइन करके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाइए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। थैंक्स।